Assalamu alaikum. Today we are going to start the 49th chapter of chemotherapeutic drug, which is regarding the antiviral agents. तो ये जो एंटीवायरल है ना, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और इसको ना हमने बिल्कुल सिलेक्टिव करना है, कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि एंड पे फिर मॉलिक्यूलर रिवीजन भी मुश्किल होगी. तो इसको मैंने सोचा कि मैं आपको ना ये बुक से ही करवाऊंगा सारा. जो भी आप मार्किंग सुननी हो अपनी बुक पे कर ले, इसके लिए नोट्स की भी आपको ज़रूरत कोई नहीं है. ठीक है, तो पहले तो ना आप लोग ये पॉइंट पढ़े जो हाईलाइट किया हुआ कि एंटीवायरल ड्रग्स कैन एक्सर्ट देयर एक्शन एट सेवरल स्टेजेस ऑफ वायरल रेप्लिकेशन इंक्लूडिंग वायरल एंट्री. मतलब क्यों कह रहे हैं कि एंटीवायरल जो ड्रग्स है ना, वो जो वायरस की पूरी रेप्लिकेशन साइकिल है ना, उसमें उसके डिफरेंट स्टेजेस पे आके एक्ट करके और उसको जो वायरस की जो ग्रोथ है या जो उसकी इन्फेक्शन वगैरह का उसको स्टॉप करते हैं. तो सबसे पहले जो जो है ना, वो आप लोग देख लेंगे एंटीवायरल एजेंट्स हैं कौन कौन से. उसमें हर्पीस के लिए ये दिए हुए हैं, एचआईवी के लिए ये दिए हुए हैं, इन्फ्लुएंजा के लिए है और ये हेपेटाइटिस के लिए. इनको डिटेल में सबको पढ़ते हैं. तो अब जो है वो वायरल का जो जिस साइकिल की बात की गई है ना आपसे, आप लोग पहले वो साइकिल को देखें. तो ये रहा वो साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसिक्यूज में भी आता है. तो ये देखें पहले सिंपल, ये वायरस की रेप्लिकेशन बताइए. सबसे पहले क्या होगा, वायरल अटैचमेंट और एंट्री. उसकी अटैचमेंट होगी और एंट्री होगी. एंट्री के बाद उसकी होगी पेनिट्रेशन. फिर वो करेगा अपने आप को अनकोटिंग ताकि वो अपनी वो एक्शन परफॉर्म कर सके. अनकोटिंग के बाद जो है वो करेगा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, अपनी जो बना रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स. फिर उसकी होगी ट्रांसक्रिप्शन, फिर प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन, फिर वो असेंबली और फिर रिलीज. ये एक नॉर्मल साइकिल है. अच्छा, अब वो ड्रग्स इस पर एक्ट कैसे कर रही हैं वो सारी देखो, ये येलो बॉक्सेस में लिखी हुई हैं. ये अपनी याद करनी है और वो कैसे करनी है, इनकी मैं आपको निमोनिक्स बताता हूँ. अच्छा, ये देखो पहला क्या था, वायरल एंट्री और अटैचमेंट. तो एंट्री ई से ना, ई से अपने एक ड्रग याद करें इन्फ्यूवर्टाइड, ये इस पर लिखी नहीं है, ये ऐड कर लें इन्फ्यूवर्टाइड. उसके अलावा आप ये याद करें डोकोसानोल, तो दो इनफ है. ई से एंट्री, ई से इन्फ्यूवर्टाइड. फिर पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि इनवर्ड मूव करना है, यही होता ना. तो इन आई से इनवर्ड और आई से इंटरफेरोन अल्फा, ये आपको याद हो गया. फिर अनकोटिंग, अनकोटिंग का ड्रग देखिए अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन. तो अमेंटाडीन एम से मतलब आम की साउंड देता है. तो आम का जैसे छिलका नहीं उतारते आम को छिलका, तो वैसे हम याद कि ये जो अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन है ये अनकोटिंग के स्टेप को जो है वो इनहेबिट करेंगे. फिर आता है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस. तो इसके लिए हमने एन से न्यूक्लिक एसिड, एन से हमें एंटी एन मतलब कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और न्यून न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स. इनको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी डिटेल में. फिर इंटीग्रेशन, आई से इंटीग्रेशन और ये आई से आ जाएगा आई एन एस टी आई मतलब कि इंटीग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स, तो ये आ जाएंगे. फिर आते हैं वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को जो इनहिबिट करते, तो वो सिंपल वही एच आई वी और हेपेटाइटिस सी वायरस है, ये तो वैसे याद कर लेंगे. देन ये दिए मतलब कि हमारे पास रिलीज, तो रिलीज का मतलब निकालना, एन से निकालना, एन से मतलब न्यूरामाइंडेज का इनहिबिटर. तो ये भी आपको ये साइकिल इस तरह से हमने याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिक्यूज के लिए. अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं, पहले जो है वो एंटी हर्पीज ड्रग्स ये वाले. तो एंटी हर्पीज ड्रग में सबसे पहला ड्रग आता है एसाइक्लोवेयर. अच्छा, इसके लिए ना जो इन ड्रग्स को याद रखने के निमोनिक्स है वो है बैगफुल. बैगफुल से हमारे पास कैसे होगा कि बी से आ जाएगा ब्रिनसाइडोफोवियर, ए से एसाइक्लोवेयर, जी से गैनसाइक्लोवेयर और एफ से फुस्कारनेट. ये चार इंपॉर्टेंट है, ये हमने याद करने हैं, ये बैगफुल से हमने याद कर लेना है. अच्छा, अब हम एसाइक्लोवेयर को पढ़ते हैं. तो एसाइक्लोवेयर का सूचना दिया हुआ है कि मैकेनिज्म सबसे पहले, तो मैकेनिज्म इसका ये है, यहाँ पे से लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कम्पेटिटिव सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज. इसका मतलब क्या है ये समझिए बात आप. तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये देखें सिंपल ये है एसाइक्लोवेयर जो है ना. अच्छा, पहले एक बात याद रखिए, जो होती है नॉर्मल हमारे पास जो डीएनए की एप्लीकेशन, उसमें ना थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है और चेन की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है. ये नॉर्मल हमारे पास प्रोसेस है रेप्लिकेशन का. अब एसाइक्लोवेयर क्या करता है कि एसाइक्लोवेयर पहले कन्वर्ट होगा एसाइक्लोवेयर ट्राइफॉस्फेट में. वो कैसे कि उसके ऊपर एक वायरल काइनेज लगेगा जो थायमिडिन काइनेज एसाइक्लोवेयर पे, और वो आ जाएगा मोनोफॉस्फेट. ऊपर होस्ट काइनेज लगेगा डाइफॉस्फेट, फिर से बनेगा ट्राइफॉस्फेट. और अब ये क्या है, ये थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट और ये एसाइक्लोवेयर ट्राइफॉस्फेट. ये जो एसाइक्लोवेयर ट्राइफॉस्फेट है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज को कन्फ्यूज कर देगा और डीएनए पॉलीमरेज बजाय कि थायमिडिन के ऊपर एक्ट करे, वो एसाइक्लोवेयर ट्राइफॉस्फेट एक्ट करके और वो हो जाएगी चेन की टर्मिनेशन. ये इसका मोड ऑफ एक्शन है सिंपल सा. नेक्स्ट आती है हमारे पास इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स. तो वो इसे बताइए कि उसको हम टॉपिकल भी दे रहे होते हैं, ओरल भी दे रहे होते हैं और आईवी में भी दे रहे होते हैं. इसकी हाफ लाइफ छोटी होती है जिसके में मल्टीपल डोजेज देनी पड़ती हैं और रीनल एक्सक्रीशन है मतलब कि रीनल इंपेयरमेंट में इसका हमें वो ख्याल करना पड़ेगा. फिर आते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटी. तो यूजेस तो इसके सिंपल वही से ये दो दिए हैं, बस यही दो याद कर लें कि म्यूकोकुटेनियस और जेनिटल हर्पीस लेयर में हम इसको यूज़ करते हैं. बाकी ये भी याद करें कि प्रोफाइल एक्सीडेंट और एड्स भी.
मेन इसकी टॉक्सिसिटी, उसके लिए निमोनिक आपने याद करना है साइकिल हैज़ टू न्यू डिज़ाइंस, साइकिल हैज़ टू न्यू डिज़ाइंस। सी से आ जाएगा ए साइक्लोवर, एच से मतलब हाइपरटेंशन, टी से ट्रेमर्स, एन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी और डी से डिलीरियम। डिलीरियम होता है मतलब कोई भी वो मेंटल डिस्टर्बेंसेज, मेंटल कोई प्रॉब्लम ना उससे रिलेटेड। तो ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं हमारे पास सिंपल। बाकी इसने यहाँ पे ये वेलासाइक्लोवर दी हुई है, ये उसकी वो एक प्रो ड्रग फॉर्म है, ये जैसे आपको नाम पता हो तो इनफ है आपके लिए। अब नेक्स्ट ड्रग पे मारते हैं, ये दिए लेटरमोवियर। इसको याद करने की वैसे जरूरत नहीं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको कि ये जो ना इसको हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं अगेंस्ट साइटोमेगैलो वायरस, ठीक है। और ये सबसे इसके अगेंस्ट सबसे एक्टिव एजेंट है साइटोमेगैलो वायरस के अगेंस्ट, कौन? लेटरमोवियर, ये ड्रग, ठीक है। उसके वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इनहिबिट्स द टर्मिनेज कॉम्प्लेक्स, कि वो जो पैकिंग पे एंड वन स्टेप पे आ रहा था ना कॉम्प्लेक्स, उसको इनहिबिट करके तो वो उसको वायरस की जो रेप्लिकेशन उसको स्टॉप कर देते हैं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गैन साइक्लोवेयर, ये गैन साइक्लोवेयर इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम ए साइक्लोवेयर पर, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बस चेंजिंग है फर्स्ट स्टेप पे जो वायरल काइनेज था ना, ये थायमोडिन काइनेज। अब गैन साइक्लोवेयर के लिए दूसरा होगा भाई, वो है ये UL97, बाकी सब सेम है, सारा काम सेम है। बस ये क्या कि इसके लिए शुरू में क्यों होना है थायमोडिन काइनेज की जगह पे UL97 वायरल काइनेज, बाकी वही इसकी भी सेम वही के डाइफोस्फेट फिर ट्राइफोस्फेट जाके चेन की टर्मिनेशन, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बस वायरल काइनेज चेंज हो गया। अच्छा फिर इसके जो यूजेज है, तो इसको जो है ना वो हम यूज़ कर रहे होते हैं अगेंस्ट द साइटोमेगैलो वायरस और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये इसके यूजेज हैं। बाकी इसके आती हैं, अच्छा इसके बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि अब हमने देखा कि साइटो अब मैकेनिज्म एक्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इस साइक्लोवेयर को हम यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट हर्पीज और गैन साइक्लोवेयर को हम हर्पीज में यूज़ कर रहे हैं और साइटोमेगैलो में भी। तो उसकी रीज़न भी वही है क्योंकि वो वायरल काइनेज चेंज है, उस वायरल काइनेज की वजह से हम जो है वो जो ए साइक्लोवेयर है उसको साइटोमेगैलो के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। फार्माकोकाइनेटिक्स में यही है कि इसका आईवी में इसको देते हैं और ये सीनस को भी क्रॉस कर लेती है, इसकी भी रीनल एलिमिनेशन है। और बाकी इसका ये दिया हुआ कि ये जो वेलागैन साइक्लोवेयर है ये इसकी प्रो ड्रग फॉर्म है और इसकी जो है वो ओरल बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गैन साइक्लोवेयर। फिर इसके क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी, यूजेस अब मैंने आपको पहले बताया अगेंस्ट साइटोमेगैलो वायरस और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। सिंपल साइटोमेगैलो वायरस रेटिनाइटिस ये एमसीक्यू में भी आ चुका है तो उसको पता चाहिए आपको। फिर इसकी टॉक्सिसिटी के लिए हम याद करें टनल, टनल भी इसमें ट्रेन को देती है, ये देखो छोटी सी ड्रॉ भी की हुई है तो ऐसे याद करें ना आप इसको। टी फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एन फॉर न्यूट्रोपिनिया और एल फॉर ल्यूकोपिनिया। इसके अलावा एक और भी होती है हिपैटिक डिसफंक्शन, वो ना भी आते हैं वो खैरियत है। फिर आता है साइडोफोविर और ब्रिन साइडोफोविर, ये जो साइडोफोविर है ये इसकी ब्रिन साइडोफोविर की प्रोड्रग फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या करता है जी, पहली बात हम याद रखेंगे जो ब्रिन साइडोफोविर और साइडोफोविर दे डू नॉट रिक्वायर वायरल काइनेज, इनको वायरल काइनेज चाहिए नहीं। ये साइक्लोवेयर गैन साइक्लोवेयर की अलग अलग वायरल काइनेज थी, इनको चाहिए नहीं वायरल काइनेज। अब वो कैसे काम करेंगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर एक्टिवेटेड एक्सक्लूसिवली बाय द सेल काइनेज, होस्ट सेल काइनेज। मतलब ये देखें कि ये है हमारे पास साइडोफोविर तो ये डायरेक्टली होस्ट सेल काइनेज के स्टेप पे आएंगे जाके चेन टर्मिनेशन कर देंगे, सिंपल। इनको वायरल काइनेज चाहिए, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लें, ये भी ड्रॉ करने के लिए आ जाती है और ये भी आ जाती है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, तो वो यही इसके लिखा हुआ कि इसकी जो है वो इंट्रावेनस हम देते हैं और इसकी भी रीनल एलिमिनेशन है और ये जो है वो लेस जो ये ब्रेन साइडोफोविर है ना इट इज लेस नेफ्रोटॉक्सिक एज कम्पेयर टू साइडोफोविर, ठीक है। फिर इनके यूजेस, तो वही इसके यूज करने में साइटोमेगैलो वायरस की रेटिनाइटिस एमसीक्यू पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन में भी यूज करते हैं और वो उन वायरसेस के अगेंस्ट जो कि इस साइक्लोवेयर को रेजिस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस साइक्लोवेयर हमें चाहिए था क्या वायरल काइनेज, अब इसमें हमें वो चाहिए ही नहीं, तो जो उनको रेजिस्टेंट है उसके अगेंस्ट इसको दे सकते हैं ब्रिन साइडोफोविर और साइडोफोविर को। फिर हमारे पास फोर्थ आ जाती है फोस्कार्नेट, तो फोस्कार्नेट इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो हमें याद कर लेना है कि ये भी क्या करती है, ये भी करेगी आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट, आर फोस्कार आर की साउंड वाली तो मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी। अब इसका भी बड़ा अच्छा मैकेनिज्म, ये देखो फोस्कार्नेट सीधा आके उसने इसकी फोस्फोरिलेशन करने के बस स्टेप पे आना नहीं, सीधा आके यहाँ पे इसकी वो जो चेन की रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देना, बस इनहिबिट कर देगा डीएनए पॉलीमरेज को, इधर आके इस स्टेप पे, ये रहा फोस्कार्नेट, यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर और हमारे पास इसमें जो है वो इसको जो यूजेस हैं, तो वो इसको रेजिस्टेंट हर्पीस इनएड्स मतलब जो हर्पीस को जो रेजिस्टेंट हो गए क्योंकि वो उसके लिए उसके इतने स्टेप्स चाहिए तो वो उनमें कहीं रेजिस्टेंस हो गई तो हम उसको फोस्कार्नेट देंगे जो कि डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगी आके, ठीक है।
उसके लिए मैंने ये कुछ में और भी ड्रग्स दिए हमें, विडारबिन है, आइडॉक्सीयूरिडीन है, ट्राइफ्लुयूरिडीन है और फॉर्मिवर्सन है। इनको जैसे आप एक सिंपल रीड दे लें वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं हमारे पास एंटी एचआईवी ड्रग्स जो कि हम एड्स में दे रहे होते हैं। तो वो बता रहा है जी कि प्राइमरी ड्रग्स इफेक्टिव इन एचआईवी आर एंटी मेटाबोलाइट इनहिबिटर्स ऑफ वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड द इनहिबिटर्स ऑफ वायरल एस्पार्टेट प्रोटीएज। मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस और एस्पार्टेट प्रोटीएज के इनहिबिटर्स हम देते हैं एड्स के अंदर। अच्छा, अब वो आपको ये देखिए ये सारे लिखे हुए हैं कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर और फ्यूजन इनहिबिटर्स। ये पांचों हम अभी आगे नेक्स्ट देखेंगे भी। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है हार्ट थेरेपी का, ये पता होना चाहिए आपको जो हम एड्स के पेशेंट को देते हैं हार्ट थेरेपी के। ये क्या जी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या हार्ट थेरेपी, इट इन्वॉल्व ड्रग कम्बिनेशन कैन स्लो और रिवर्स द इंक्रीज इन वायरल आरएनए। मतलब इसमें वो ड्रग कम्बिनेशन देते हैं जो कि वायरल आरएनए की ग्रोथ को रिवर्स करते हैं या स्लो करते हैं। ठीक है, फिर उसने बताया कि हार्ट थेरेपी एक और काम करती है कि वो जो CD4 सेल्स में जो डिक्लाइन हो रहे थे, जो वो कम हो रहे हैं, उनको जो है वो कम नहीं होने देती CD4 सेल को। तो इस तरह वो क्या करेगी, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करेंगे, मतलब कि कोई और इन्फेक्शन नहीं होने देगी, क्योंकि आपको पता है ना कि एड्स में इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो ये उसको लो नहीं होने देगी ये हार्ट थेरेपी। अच्छा, अब ये ना आगे इसमें HIV ड्रग्स में हमें जो पांच टाइप्स पढ़ के आना, ये उन्हीं की डिटेल है। इनके जस्ट आप लोगों ने नेम्स याद करने और कोई एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, और इसमें इनको डिटेल में कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, पहले हैं जी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इनके लिए ना याद करने के लिए निमोनिक है आदिल की साइकिल तेज, आदिल की साइकिल तेज। वैसे आपको एक और मैं ट्रिक भी बताऊं कि इनमें मैंने ना एक्सेप्ट वन सब के एंड पे INE आएगा, तो अगर MCQ में भी आया था कि कौन सा, तो आपको पता जो INE वाला वाला आप लगा दो, मैक्सिमम के एंड पे INE होता है। ठीक है, उसके अलावा वैसे इसकी ये एग्जैक्ट निमोनिक है आदिल की साइकिल तेज। तो ये कैसे, A4 अबेकावेयर, D4 डाइडेनोसिन, L4 लैमिव्यूडीन, S4 स्टेव्यूडीन, T4 टीनोफोवियर, E4 एम्ट्रीसीटाबाइन, Z4 जेलसीटाबाइन और फिर नेक्स्ट Z4 जीडोव्यूडीन। तो ये सारे जो लिखे हैं आप बुक से भी देख भी सकते हैं वो। अच्छा, और इसके अलावा हमने क्या याद करना कि ये जो डाइडेनोसिन है ना, इसको हम ना पैंक्रियाटाइटिस में इसकी जो ये इसका टॉक्सिक इफेक्ट है कि पैंक्रियाटाइटिस इज डोज लिमिटिंग एंड अकर मोर फ्रीक्वेंटली। ये MCQ में भी आ चुका है कि ये डाइडेनोसिन का ये टॉक्सिक इफेक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा जो एम्ट्रीसीटाबाइन है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट है हाइपर पिगमेंटेशन, तो ये भी आपको याद होना चाहिए दो पॉइंट्स। फिर ये, हाँ ये इन सब के कलेक्टिवली हैं कि इसकी जो है ये जो हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमारे पास कॉज कर रहे थे लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडीमिया एंड सिवियर हिपेटोमेगैली विद स्टियोटोसिस, मतलब कि फैटी लिवर वगैरह, उसकी ये इसके वजह से हो सकते हैं हमारे पास। फिर आते हैं नेक्स्ट नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ये देखें तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के लिए आपने याद करना है निमोनिक दिनार। क्या है निमोनिक दिनार, अब वो कैसे, D4 डेलाविडिन, E4 एफावायरेंस, देन E4 एट्रावायरिन, N4 नेवेरिपिन और R4 रिलपेविरिन। बस जस्ट नेम याद करने आपने इसमें और कुछ भी याद नहीं करना। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी, तो वो है जी प्रोटीएज के इनहिबिटर्स। तो प्रोटीएज जस्ट चार नाम याद करने, फिदास है। वैसे इसकी ट्रिक ये है कि इसमें सब के एंड पे ना वेर आ रहा है, VIR वेर, तो उस भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसकी वो याद करने वाले चार नाम याद करने, फिदा, F4 फोसम्प्रेनावेर, I4 एंडेनावेर, D4 डेरोनावेर और A4 एटाजेनावेर। बस ये चार याद कर लें, ये बहुत हैं ये नेम्स। बाकी इसके भी ये ना टॉक्सिक इफेक्ट्स लिखे हुए हैं वो आप लोग देख लें। ये वाले ये देखें कि ये जो है ना वापस कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करती है। वो कैसे करती है कि वो द यूज ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर्स इन हार्ट ड्रग कम्बिनेशन हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स इन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब उसका बताएगी कॉज, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट दिस इज ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ लिपिड रेगुलेटिंग प्रोटीन्स। जो लिपिड के रेगुलेटिंग प्रोटीन्स है ना, ये उसको इनहिबिट कर देती है, विच हैव एक्टिव साइट्स विद स्ट्रक्चरल होमोलॉजी टू द HIV, क्योंकि उनकी साइट्स और HIV प्रोटीएज के साइट जो वो सेम होती है, तो ये जाके उनको भी इनहिबिट कर देती है। HIV को करना था, इसके साथ वो लिपिड रेगुलेटिंग प्रोटीन्स को भी करती है इनहिबिट, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है और हाइपरलिपिडीमिया और ये सब कुछ उसने बताया हुआ है। ठीक है, फिर आता है जी एंट्री एंड फ्यूजन इनहिबिटर। तो इसमें तो जैसे तीन नाम है, मैराविरोक है, इन्फ्यूबोटाइड और आइबेलिज़ुमैब, तो ये आप वैसे याद कर लेंगे। फिर इंटीग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफरेज इनहिबिटर, तो इसमें एक ही नाम है राल्टेग्रिवर, ये भी हमारा हो गया। इसमें जैसे ये नाम ना मैं अभी याद करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट, तो ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर। तो इनका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ न्यूरामाइनिडेज प्रोड्यूस बाय इन्फ्लुएंजा ए और बी। अच्छा ये ना हम देख के भी आए थे पहले उस साइकिल के अंदर भी कि ये जो थे ये न्यूरामाइनिडेज थे ना, ये हमारे पास उसकी कर रहे होते हैं हमारे पास जो वायरल रिलीज है उसको प्रिवेंट करते हैं उस साइकिल में, फर्स्ट पिक में हमने देखा था। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, ये वही देखें कि ये उसकी ना रिलीज नहीं उसके होने देंगे। इनके भी जो जो यूजेस हैं वो टॉक्सिसिटी है, और जो फार्माकोकाइनेटिक्स वो बताई हुई कि ओसेल्टामिविर जो है हम ऑरली दे रहे होते हैं और ज़ेनामिविर हम देते हैं इंट्रानेजली। फिर ये कि जो इनका जो काम है वो है जी, दे डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा सिम्टम एंड आर मोर इफेक्टिव इफ यूज विद इन 24 आवर्स आफ्टर द ओन, मतलब कि उसके सिम्टम्स को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। और इनको जो टेकन प्रोफाइलेक्टिकली, मतलब अगर हम इन्फेक्शन होने से पहले ले लेंगे तो ये जो हम हमारे पास जो इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस को भी कम कर देगा। टॉक्सिसिटी की वही सिंपल है कि जीआईटी की डिस्टर्बेंसेज है, थ्रॉट डिस्कम्फर्ट है, ब्रोंकोस्पाज्म सोमैटिक पेशेंट में और कफ वगैरह, ठीक है। बाकी ये भी नहीं करने वाले इंपॉर्टेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है अमेंटाडिन और रिमेंटाडिन। इनका भी मैंने बताया था वो आम के छिलके की तरह, मतलब ये अनकोटिंग को प्रिवेंट करेंगे, यही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये लिखा भी वाले कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए के इन्फ्लुएंजा ए में हम यूज़ करते हैं, और वही है कि दे प्रिवेंट अनकोटिंग बाय बाइंडिंग टू अ प्रोटोन चैनल दैट इज रिक्वायर्ड एट द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन टू एसिडिफाई द वायरस कोड, मतलब कि वायरस के कोड को रिमूव करने के लिए ना उसकी एसिडिफिकेशन चाहिए होती है, और वो कैसी होती है, हमारे पास एक प्रोटोन चैनल कर रही होती है। ये क्या करती है, ये उस प्रोटोन चैनल को ही जाकर बाइंड करती है, उसको काम नहीं करने देती, और इस तरह से इन्होंने उसको प्रिवेंट कर दिया। फिर आ जाता है इसके क्लिनिकल यूजेस हैं और टॉक्सिसिटी है। तो यूजेस इसके वही है कि दे रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ इफ गिवन विद इन द 48 आवर्स के हम जो भी इन्फ्लुएंजा एक अंदर देंगे। बाकी इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो भी इसके जो है वो सिंपल वही जी आई की इरीटेशन है, अटैक्सिया है, डिजीनेस है, बस मतलब सिंपल, इतना ज़्यादा कोई भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर आ जाते हैं लास्ट जो कि एजेंट्स यूज इन दी वायरल हेपाटाइटिस। तो वायरल हेपाटाइटिस के अंदर जो यूज़ होने वाले हैं ना उनमें ना ये हमारे पास है दिया हुआ है इंटरफेरोन अल्फा दिया हुआ है, एडिनोफोविर दिया हुआ है, और एंटीकावेर है, लेमिव्यूडीन, रिबेरिमिन। याद सिर्फ तीन ही करने हैं हमने, ये ए बी और ई वाला, ये तीन याद करने हैं, वो नेम याद होना चाहिए। अच्छा इंटरफेरोन अल्फा का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो जी प्रोटीन से लिंक्ड है। जरा जी प्रोटीन को हमने रिकॉल रखना है फिर आपको समझ आएगी। वो ये है कि दे इंक्रीजिंग दी एक्ट, ये क्या करेंगे, ये एक्टिविटी जो है जेनस काइनेज की, जे के एज की, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। जब उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, दे विल कॉज दी एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टैट प्रोटीन्स, इनकी एक्टिवेशन कर देंगे जिसकी वजह से ज़्यादा एंटी वायरल प्रोटीन्स बनेगी, और वो जो है वो जो वायरस कॉज कर रहा होगा उसको जाकर किल कर देंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास आ जाता है जी इसका कि इनकी एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस इंजेक्शन से बहुत स्लो है, आईएम और सबकुटेनियस बहुत स्लो है। एलिमिनेशन इसकी है जी प्रोटोलिटिक हाइड्रोलिसिस इन द किडनी, बस यही दो पॉइंट्स हैं। क्लिनिकल यूजेज हैं कि इसको जो इंटरफेरोन अल्फा को यूज़ करते हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, और सेकेंडली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको यूज़ करते हैं इन कम्बिनेशन विद रिबेवेरिन अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस में यूज़ करते हैं विद रिबेवेरिन। बाकी इसके जो क्लिनिक और यूज उसमें दो हमें याद करें कि साइटोमेगैलो के इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और हर्पीज जोस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी टॉक्सिसिटी इसकी भी बहुत सिंपल है, जीआईटी की इरिटेशन है, न्यूट्रोपिनिया है, फ्लू लाइक सिंड्रोम है, मेलजिया है, हेयरिंग लॉस है, बाकी ये तीन चार आपको पता होना बहुत है। फिर एडिफोवियर, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो है जी, इट कंपेटिटिवली इनहिबिट्स हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए पॉलीमरेज, कि हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए पॉलीमरेज को ही इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेन की टर्मिनेशन हो जाएगी और वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर ही नहीं पाएगा, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर आ जाती है इसकी हमारे पास के फार्माकोकाइनेटिक्स एंड क्लिनिकल यूजेस। तो वो ये कि इसकी जो गुड ओरल बायो अवेलेबिलिटी और फूड से अनइफेक्ट है, ठीक है, और इसका जो है वो रिनल एक्सक्रीशन है, तो मतलब कि किडनी की डिसफंक्शन में इसकी हमें डोज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। बाकी जो इसकी वो उसने उन्होंने हमें दी है टॉक्सिसिटी, वो है कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी है और लैक्टिक एसिडोसिस और हिपेटोमेगैली। फिर आपने याद करना ये रिबेवेरिन, तो रिबेवेरिन के जो उसने दिया हुआ ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो है जी, दिस ड्रग इनहिबिट्स गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्मेशन एंड प्रिवेंट्स द कैपिंग ऑफ वायरल एमआरएनए, कि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को इनहिबिट कर देगी जिसकी वजह से वायरल एमआरएनए की जो है वो कैपिंग ही नहीं होगी, और वो जो जो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज वगैरह वो काम करना छोड़ देगा, ठीक है, वो काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पूरा तरह वो बन ही नहीं सका, उसकी पूरी मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकी।
फार्माकोकाइनेटिक्स आ जाती है इसकी, कि किडनी से एलिमिनेट हो रहा होता है। बाकी इसके यूजेस उसने तो वही दिए हैं कि इसको जो मैं पीछे बता के आया, इसको हम यूज़ करते हैं विद इंटरफेरोन अल्फा अगेंस्ट दी हेपेटाइटिस सी वायरस, और अगर इसको मोनो वो देखो मोनोथेरेपी विद रिबेवरिन अलोन इज नॉट इफेक्टिव, कि अकेले यूज करो तो ये कोई ये किसी काम का नहीं है। टॉक्सिसिटी में इसका भाई कि डोज डिपेंडेंट हीमोलिटिक एनीमिया है इसमें, और वो इसको भी याद करें कि हीमोलिटिक एनीमिया अनीमिया में होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन, तो आर से रिबेवरिन और आर से आरबीसी का ब्रेकडाउन। बाकी ये जो है वो ह्यूमन टेराटोजेनिक भी है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ना दो पॉइंट हैं जो बुक में बहुत डिस्पर्स है, तो मैंने सोचा मैं आपको वो भी बता दूँ। वो ये है कि ड्रग्स जो हम यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस, तो वो मैंने ना यहाँ पे लिखे थे, शायद आपको याद नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी के लिए निमोनिक्स है अली का इंग्लिश टेस्ट, ए फॉर एडिफोवियर, एल फॉर लेमिव्यूडीन, आई फॉर इंटरफेरोन अल्फा, ई फॉर एंटिकावेयर और टी फॉर टीनोफोवियर। ये सारे ड्रग्स जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस में दे रहे होते हैं, और हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए हमारे पास है आरआई, सिंपल आरआई, रिबेवरिन और इंटरफेरोन अल्फा। तो ये जरूर याद करेंगे। बाकी ना एक टेबल था पीछे जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये वाला टेबल, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना कि इसमें देखिए इसमें हेपेटाइटिस बी के भी लिखे हुए हैं, हेपेटाइटिस सी के भी लिखे हुए हैं, और सर्टन मतलब ये समझे कि समरी है इन सब ड्रग्स की, हम कहाँ कहाँ किस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको भी आप लोगों ने देख लेना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंटीवायरल ड्रग्स। अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।